अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली पत्रकार राणा आयोग एक बार फिर से सुर्खियों में है। राणा माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर बेहद सक्रिय रहती है और राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखती आई है। अपने विवादित बयानों के लिए वह लोगों के निशानों पर रहती आई है। दरअसल कट्टर इस्लामी गिरोह के इस पत्रकार को विदेश जाने से रोका गया है। राणा आयोग पर कोविड फंड्स का दुरुपयोग करने के आरोप है। राणा ने मंगलवार 29 मार्च 2022 को खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, आज मुझे मुंबई से लंदन जाने से रोका गया है। जब मैं इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल में भारतीय लोकतंत्र और पत्रकारों को डराने धमकाने पर अपना भाषण देने के लिए लंदन के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने वाली थी, मैंने इसके बारे में कुछ हफ्ते पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था। फिर भी मुझे रोके जाने के बाद ईडी का समन मेरे इनबॉक्स में आया। उन्होंने लिखा, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके बारे में कई हफ्तों से ट्वीट किया जा रहा है, फिर भी मुझे ईडी का समन उस वक्त मेल किया जाता है जब मुझे मेरे ही देश में विदेश जाने से रोका जाता है। हम आपको बता दें कि लोगों की मदद के नाम पर धन की उगाही और उस पैसे की गड़बड़ी के मामले में प्रोपेगेंडा पत्रकार राणा आयोग के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फरवरी 2022 में बड़ी कार्रवाई की थी। एजेंसी ने आयोग की 1.77 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया था। उस दौरान ईडी ने कहा था कि राणा आयोग ने एक साजिश के तहत आम जनता को धोखा दिया है। ईडी के आदेश में कहा गया था कि राणा आयोग के घोटाले की शुरुआत तभी से शुरू हो गई थी जब उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे अपने और अपने परिवारों के सेविंग अकाउंट से निकालना शुरू कर दिया था। ईडी के मुताबिक आयोग ने 50 लाख रुपए के फिक्स्ड अमाउंट नेट बैंकिंग से बुक किए गए और एक अलग करेंट अकाउंट खोला गया। बाद में उनके खुद के बचत खाते और उनकी पिता और बहन के खाते में मनी ट्रांसफर किया गया, लेकिन कैटो ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जिस उद्देश्य के लिए धन उगाही की गई थी उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जिसके बाद प्रोपेगेंडा पत्रकार राणा आयोग के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में 7 दिसंबर 2021 को आईपीसी की धारा 403, 406, 418, 420, आईटी अधिनियम की धारा 66D और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में राणा आयोग पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने चैरिटी के नाम पर गलत तरीके से आम जनता से धन की वसूली की थी। हिंदू आईटी सेल के विकास शाक्रियानंद ने अगस्त 2021 में ये एफआईआर दर्ज करवाया था। एफआईआर में राणा द्वारा चलाए गए 3 अभियानों का जिक्र भी किया गया था। हर तरह के खबरों के लिए बने रहें ग्रो अप इंडिया के साथ। अभी के लिए मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहें ग्रो अप इंडिया। धन्यवाद।